हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अभी आज घूम फिर के आने का, नहीं तो थकान थी ना, कुछ मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, बिकॉज इतनी गंदी वाली बारिश हो रही थी ना, 6-7 दिन से लगातार बारिश ही है। अभी जस्ट ये थोड़ा सा बादल खुले वरना एकदम तेज़ बारिश थी। मुझे तब क्या सुनान को स्कूल भेजूँ कि नहीं भेजूँ, उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसका इन्फेक्शन कंटिन्यू ही है, लेकिन ठीक है, वो टाइम लगेगा डॉक्टर ने बोला, बट थोड़ा बहुत अभी खा पी रहा है। बट ये जो आपको पीछे से आवाज़ आ रही है ना, ये काफ़ी सारी, क्योंकि मैंने आज अपने घर में सफाई अभियान छिड़ा है। मैंने अर्बन कंपनी से बुलाया था वॉशरूम क्लीनिंग करने के लिए, तो वो कर रहे हैं क्लीन, और किचन में भी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए दिखाते हैं किचन में क्या पक रहा है आज के बारिश के मौसम में। गर्मा गर्म पूड़ी छनने जा रही है आरती, हमको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, और भाजी मिक्स बन चुकी है। यहाँ पर मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है, अब ये बाद में बस दाल छौंकनी है, हम करेंगे पूड़ी भाजी का मज़ा। और इतनी अच्छी दिखे आवाज़ सुन रहे हैं भाई, हमने अर्बन कंपनी से बुलाया है बाथरूम क्लीनिंग करने। मैंने बताया कि अभी ये सफाई अभियान छिड़ा है, अभी ये सब कल सब वॉश करके मैंने ऐसे ही सुखाया हुआ है, ये सब अभी पहले मैं सब रंगा दूँगी, एक बार ये चले जाए बाथरूम क्लीन करके, फिर तो मुझे यही कर्टन धुलवाने। अच्छा शांत सिंह है घर पर, तो क्या धुल के फिर वो लगा देंगे ना रॉड्स पे, तो वो हो जाएगा, तब तक तो युवा नहीं आ जाएंगे। तो ये व्लॉग अभी मैं, और तो आज कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, अब शायद से पापा मम्मी आ रहे हैं मेरे, आ चुके हैं बॉम्बे, तो आ चुके हैं आज। ये सब रोहन के रिसेप्शन के लिए एक दो वेन्यू देखनी थी, तो वो सब देखना है, तो शायद ये हम वहीं जाए, पता नहीं, अब तो अब व्लॉग्स में पता ही चल जाएगा आपको मेरा प्लान क्या है, वरना तो साफ़ सफाई में छिड़नी मुझे जंग। ये जो ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, इसी के लिए उनको बुलाया गया, मेरा हाथ तो पहुँचता नहीं, इस बार हम लोग का बंद था ना, तो काफ़ी हो गया है। ते साफ़ करने के बाद ये कैसा दिखता है, आरती कह रही कि बड़ा अच्छे से वो लोग क्लीन करते हैं, उसने देखा है, मैं पहली बार करा रही हूँ भाई। तो उसके बाद में मुझे अभी मेरे रूम का ये वाला कांच गंदा गंदा सा लग रहा है, देखिए सब वो पानी के छींटे हैं, उसको क्लीन करना है। ये रूम अभी मुझे आज करनी है, वो तो मैंने कर दिया था। दम पूरी बन चुकी है, ये दही जमी एकदम मलाई वाली, देखिए सो ये आज का एकदम सुंदर टेस्टी टेस्टी नाश्ता, देखिए कितनी अच्छी दही जमी है। कि भाई शशांक सिंह की नाश्ते की प्लेट हो गई है रेडी। बारिश रुकी हुई थी, फिर शुरू हो गई, मतलब अब ये सावन का महीना जोर शोर से शुरू हुआ पड़ा है। हमारे जो पौधे कितने नहा धुल के एकदम मस्त साफ हो गए हैं, यहाँ पे तो पूरा वो जेड प्लांट फैल गया है, मुझे लग रहा है कुछ दिन में ये ऊपर ही चढ़ जाएगा। माता श्री आएंगी तो करेंगी गार्डनिंग, इतना सुंदर लग रहा है, बारिश वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, क्लीन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उन्होंने बोला फिर पेंट करना पड़ेगा, और एकदम चकाचक हो गया है। ये नल वाल पे पता नहीं कौन सा ये लोग डालते हैं, एकदम शाइन आ जा रही सोल्यूशन। अभी ये बाथरूम का भी थोड़ा मेकओवर करना है ना, था ये विंडो साफ, मैंने ग्रिल तो क्लीन कर दी, लेकिन ये विंडो पे देखिए दागी है, इतनी बारिश में मैं कैसे साफ करूँ, बारिश देख लीजिए आप, आज तो ये काम नहीं होने वाला है, मुझे लगता है रुकना ही पड़ेगा। तो भाई बारिश रुक गई थी तो मैंने ये क्लीन कर दिया विंडो, जब देखिए कितना अच्छे से साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन नीचे बहुत गंदगी हो गई है, पूरा कचरा, और ये कर्टन से भी धोने, लेकिन अब युवान को लेने का टाइम भी हो गया, लक्ष्मी के आने का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले वो झाड़ू वाड़ू मार ले, तब तक ये कर्टन शशांक निकाल दे, फिर धुले जाएंगे। बड़ी तेज़ों की जोरों की भूख लग रही है, नॉट तेज़ों की भूख, बंद कर भैया लाइट, और चलिए जान को लेके आती हूँ पहले नीचे से। विंडो क्लीन करके इतना अच्छा लग रहा है ना घर, अभी मैं गई बताऊँ देखो व्यू ही एकदम चेंज हो जाता है, गंदगी भरा व्यू था, अभी सब अच्छा हो गया, अभी मैं जा रही है यही सब करने, बिछा के थोड़ा रूम चेंज कर दी मैं, क्योंकि कपड़े तो हम नहीं सुधारे पीछे, तो ये जगह खाली हो गई, देखिए अभी पूरा फैला हुआ है, इसको क्लीन करो, ये वाल खा रहे हैं बनाना, आज आरती बना रही है खाना। ओके ओके लो जी भाई, मैंने सब सेट कर दिया है अपना, कवर ओवर सब चढ़ा के, और अब जो है इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा था, और शशांक सिंह का नाइट है, पापा मम्मी भी घर में कोई नहीं है, युवान सो गए हैं, तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी हम पार्टी शार्टी कर लें, चाय वाय पिए, मैगी वैगी खाए, बहुत दिन हो गए ऐसे किए हुए, तो मैंने रश्मि और प्रीति से कहा है कि भाई आ जाओ, रश्मि ऑफिस से आएगी, प्रीति को मैंने कहा 11 को सुला बुला के आ जाए, तो हम लड़कियाँ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं भाई, ऐसे मौके भी बहुत कम मिलते हैं ना, चाय वाय पी, हमने म्यूजिक व्यूजिक चला दिया ताकि मुझे नींद ना आए, पता चला मैं उन लोगों को बुला रही हूँ, मैं खुद ही सो गई, क्योंकि
विवाह के चक्कर में मैं भी जगी रहती हूँ। ये कपड़े वाले महाशय हमारे यहीं रहते हैं, क्या ही करें, अब कहाँ सुखाएं, पंखा एक चलता रहता है तो यहीं सूखता है, तो फिलहाल इनकी जगह यहीं रखी है। और अभी दोस्त तो अपने घर जैसे ही हैं, तो उनसे क्या छुपाना, अपना जैसा घर है वैसे ही सही, बस मिलेंगे, गप्पे वप्पे मारेंगे, चाय वाय पियेंगे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, बिकॉज कल तो रश्मि का ऑफिस भी है। तो आज हम करेंगे लड़कियों का गर्ल्स नाइट आउट तो नहीं है, लेकिन मैगी एंड चाय पार्टी। सो भाई सुबह हो गई, कल रात को हमने पार्टी की, खूब मैगी खाए, चाय पिए, मज़े किए, शूट कुछ नहीं की मैं, क्योंकि वही था, हम लोग एकदम रिलैक्स मूड में थे, गाने सुन रहे थे, खा पी रहे थे। और अब मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, लेकिन क्या ही करूँ, अब नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी है थोड़ा, वो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग वाइलिंग करनी, अभी बहुत लास्ट लास्ट चल रहा है, तो वो कर लेती हूँ। और आज जो है पापा मम्मी भी आ रहे हैं, तो देखिए अभी मुझे नींद आ रही है, सॉरी, लेकिन वो आ जाएंगी तो मुझे दोपहर में सोने मिल जाएगा। मम्मी को बोली आइए, दादी ड्यूटी चालू हो जाएगी आज, तो मुझे दोपहर में तो आज आराम से सोऊंगी मैं, क्योंकि मम्मी रहेगी और वैसे भी युवा एक्साइटेड रहेगा खेलने के लिए, उसको बताया नहीं है, सरप्राइज रहेगा, मम्मी आएंगी तो स्कूल उसके आने के बाद ही आएंगी, उनकी फ्लाइट ही है 10:45 की है, तो फिर वही अभी जस्ट 11 बज रहे हैं अभी इस समय, मम्मी अब फ्लाइट में बैठ गई हैं, अब उसके बाद आएंगी तो युवान के आने के बाद ही आएंगी, तो वो अच्छा रहेगा। बाबे मैं सो जाऊँगी, उन लोग का मिलाप करा के मैं सोऊँगी 1-1.5 घंटा मस्त में, अपनी नींद पूरी कर लूँगी। तो अभी मैं जागरण करके अपना सब काम वाम कर लूँ, और जैसे देख रहे हैं मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं आरती खाना वाना बना के गई, तो उसके बाद थोड़ा एक पावर नैप ले ली थी, अब जा रही हूँ फ्रेश होके नहाने, पूजा वूजा कर लूँ, उसके बाद बाकी काम करते हैं। अभी आपको मिलाते हैं सीधा मम्मी के एंट्री पे। ये इनके खाना खाने का तरीका देखिए, अभी क्या है ये बेटा, लक्ष्मी आंटी ने फोल्ड किया था ना क्लीन करने के लिए, मैं लक्ष्मी के जाने के बाद थोड़ा खिलाती हूँ कि झाड़ू पोछा कर ले, लेकिन आज इनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, शायद स्कूल में कुछ खाए नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज युवान कह रहा है मम्मा मम्मा गिव मी फूड आई एम हंग्री, है ना, आज स्कूल में नहीं खाया युवान ने कुछ भी, क्यों नहीं खाया। अरे इनको भी मालूम नहीं कि घर पे कोई आने वाला है, कि दोपहरिया भर ऐसे मस्ती करते हैं, सब कुशन और पिलो सब लेके आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो बेटा आप, ये पार्टी ऑफ पिलो कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, बस नो मोर पिलोज, पापा सो रहे हैं, मम्मा भी सोने जा रही है उस पे। कौन है कौन है युवान, सरप्राइज, देखो अभी जाके आपको गद्दा बिछाए सोने के लिए, जाइए। अरे रूम देखो भगवान क्या। तो जैसा कि मैंने कहा था, मम्मी आ गई, अपनी दादी न्यू ड्यूटी निभा रही है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, तो मैंने बोला मम्मी मुझे 1 घंटा सोने दो, 4 बजे सोई हूँ, सुबह भी चलती उड़ी है, तो युवान बिजी है दादी के साथ बाहर, मम्मी लोग खाना वाना खा लिए, अब मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, फिर चाय शाम की पियेंगे मम्मी पापा के साथ। आप तो एक काम पे लगा दिया सबको इसने, स्केटिंग का सारा गियर पहन के, कहाँ जा रहे बेटा आप, कहीं नहीं जा रहे हो, अच्छा स्टाइल के लिए ग्लव्स और नी पैड और ये सब पहन के बैठ रहे हैं, बेटा क्यों पहन रहे ऐसे स्टाइल में, बातें सुन सुन के। मैं खा रही हूँ ब्रेड और वेफर, बड़ा अच्छा लगता है, जरूर ट्राई करिएगा, चाय पी रहे हम लोग, बेटा मैं चाय चाय है, पीछे जाओ, सब पहन के खड़े हैं। इनको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करवा लेते हैं, होमवर्क तो इनके स्कूल में उतना मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है आज बहुत मस्ती की है, तो थोड़ा रात में ये अभी 61 के आगे लिखो, पूरा 100 तक आता है युवान को, तो ना इस लाइन में लिखो, हाँ या 61 से या राइट, उसके बाद हम जाएंगे सोने। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं अब यहीं पे खत्म, अभी इनकी दादू दादी सब आ चुके हैं, यस यस राइट, तो इनकी एक्साइटमेंट लेवल भी अलग ही रहेगी, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ाना भी बनता है ना, आज सुबह से कुछ नहीं पढ़ा इसको, कुछ तो लिखाना बनता ही है, रोज़ कुछ ना कुछ लिखाओ, तो इनकी राइटिंग बनी रहेगी।
चलिए फिर करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। मुझे बड़ी तेज़ नींद आ रही है इतना सोने के बाद भी, लेकिन रात की नींद तो बनती है ना भाई। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।